कैसे आप? हाय दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास. इतनी लंबी कुड़ी पहली बार देखी है भाई. थैंक यू. क्या बात, मैं इतनी लंबी, मेरे को कभी बुखार नहीं चढ़ता मालूम है. बुखार सोचते इतना ऊपर कौन चढ़ेगा. खैर दिलर पाजी तो इधर कई बार आ चुके हैं. अच्छा जी. दीदी से भी मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है. आज मैं खास आपसे मिलने आई हूँ सर, बड़ी दूर से. यार झूठ बोल रही है, तू बगल में रहती है. वो क्या, आर्टिस्टों को ऐसा बोलो ना, दूर से मिलने आ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है. उनको ऐसा लगता है एफर्ट डाले ले किसी ने आने के लिए, इसीलिए बोली. खैर मेरे को सर आपको एक और बात बोलनी थी. बोलो जी. दिलेर पाजी ना कप्पू के घर पे हमेशा आते जाते रहते हैं. बात तो बोलो, लेकिन ये फुहारा क्यों छोड़ रहे हो बार बार? ओ सॉरी. हाँ बात तो बोलो. हाँ जी. हाँ दिलेर पाजी, आपको पता है कप्पू के घर हमेशा आते जाते रहते हैं. हाँ. और दीदी भी हमेशा आती जाती रहती है. हाँ. ये एपिसोड आपकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं. फिर सलीम जी, जी आप ना मेरे को, मैं इधर से बात करूं चलेगा ना? हाँ जी. हाँ जी. मेरे को ना आप नाला सोपारा में एक दिन के लिए लगेंगे. क्यों लगेंगे ये? अरे उधर ना एक स्कूल खोला था हम लोगों ने. हाँ, उसके मास्टर भाग गए. अच्छा. तो आप मेरे को एज अ मास्टर लगेंगे उधर. मास्टर क्यों भाग गए फिर? अरे बाबा वो मास्टर, ऐसा मास्टर अपनी जिंदगी में नहीं. आप मास्टर सलीम है ना, वो मास्टर सलीम है. इतना सलीम दीदी. अरे यार मैं इतना बारीक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. वो इतना सलीम है कि बच्चे लोग उसको बोलते थे ना, मास्टर जी मुझे टॉयलेट जाना है, उंगली के पीछे नजर नहीं आता था. इतना बारीक आदमी. मैं सच्ची बोलती है. खैर उसकी बातें छोड़ो. और रिच दीदी. रिच दीदी? yes. क्या है? रिचा, रिचा दीदी. नहीं, मैं बैंक बैलेंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना. बहुत रिच है. अच्छा दीदी, मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुनक तुनक तुन. तो तुनक तुनक तुन अच्छा लगा तो दिलेर भाई सामने बैठे उनको बोलो ना फिर. नहीं नहीं, मैं ये बोल रही है अगर दिलेर पाजी का गाना मेरे को पसंद आया है तो ये बात मैं रिचा दीदी को नहीं बोल सकती क्या? बता दे. बोल सकती है, पर वो सामने बैठे तो उनको बता दो. नहीं नहीं, सामने मतलब क्या है, ऐसा मुंह पे किसी का तारीफ करेंगे वो अच्छा लगता तो आदमी बिगड़ भी सकता है ना. समझदार. नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही ये बात, 20 साल पहले मैंने मेकअप आजी को बोली थी. मैंने बोला आप कितने अच्छे सिंगर हो, देखो बिगड़ गए ना वो. ऐसे ही रहता है. हाँ दिलेर पाजी, आप उनकी शादी करवाओ ना. क्यों नहीं करवाते उनका शादी? वो पूरा मार्केट में बोलते फिरते 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे. मैं तो कहती है पाजी आप उनकी शादी करवाओ, 12 महीने में एक तरीके से प्यार करना पड़ेगा तब पता चलेगा उनको. और वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग, शादी करवाओ चूल्हे में आग लगवाओ उनसे. क्या बात है यार, क्या बात है सपना, क्या बात है, कितनी प्यारी. ऐसा लगता है मुंह देखो घोड़ा मेकअप करके आया जैसे. नहीं लेकिन आज मेकअप एक बार फिर. अमरीशा दीदी, बचपन से आप गाना गा रहे हैं ना? बिल्कुल. तो आपको पहला पेमेंट 11 रुपया मिला था? जी बिल्कुल. क्या बात है, आपको गाने का 11 रुपया मिला, मेरे को गुनगुनाने का 2000 रुपया मिला था. गुनगुनाने का कैसे पैसा मिला? हाँ मैं ऐसा बांद्रा में जा रही थी, ऐसे चलते गुनगुनाते, ऐसा 2000 का नोट नीचे पड़ा था. हाँ मैंने ना कपो 2000 का नोट उठाया. हाँ. तो मैंने सोचा यार गुनगुनाने का मेरे को 2000 रुपया मिल सकता है, अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो मैं कितना कमा सकती हूँ. हाँ इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस चालू कर दी है गाने की. नहीं बांद्रा जाने की. सब बहुत खड़ा होता है. पकड़ा पकड़ा है ना. क्या टाइमिंग है यार. थैंक यू. वो अच्छे लोग आते तो ऐसी मजा आता है. बहुत अच्छा लग रहा है सबके लिए, जोरदार ताली. खैर लेकिन कितना मजा लग रहा है ना आज, कितना अच्छा लग रहा है.
एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से बैठ के बातें कर। तू कहाँ से सेलिब्रिटी है? अरे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको पूरी दुनिया प्यार करती है ना, नाला सुपारा में मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरा बहुत वट है अर्चना जी, मैं किधर भी चले जाऊँ ना नाला सुपारा में, किधर भी कोने में, ऑटो वाले मेरे से एक रुपया नहीं लेता। क्यों? मैं पैदल जाती हूँ ना। कैसे लेगा पापा? क्या बात, क्या फालतू की बातें कर रही है सलीम पाजी, पहली बार आए, क्या सोचेंगे वो? वो सोचते नहीं, वो बचपन से गाने गा रहे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। हाँ सर, आप बचपन से गा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ आप छोटे से गा रहे हैं? हाँ जी। पांडे मोटे से गा रहा है, अनूप जी जलोटे से गा रहे हैं, ये अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा है। और कई लोग सुबह सुबह लोटे से गाते मेरे को बता रहा था आपकी 10 साल की उम्र में सर आपका एल्बम आ गया था। हाँ, पहला जी, आपका एल्बम चरखे दी कुक। अच्छा, तो उसके लिए आपको पेमेंट मिली थी कि चॉकलेट टॉफी दी थी उन लोगों ने? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार बचपन में ना इनके गले में ऐसा टॉफी अटक गई थी। अच्छा, तो पूरे स्टूडियो में भागते फिर रहे थे, अरे मेरी पेमेंट फंस गई, मेरे पेमेंट फंस गई, ऐसा इसीलिए बोली। इतना कुछ बोल रही, तुझे पता भी है इन सब के बारे में? अरे सब जानती हूँ, मैं तो इतनी फैन हूँ सबकी। हाँ। दिलेर पाजी की भी इतनी फैन। दिलेर पाजी, आप उधर पटना में पैदा हुए थे ना? हाँ, और लेकिन आप बड़े दिल्ली में हुए? नहीं, यूपी बिहार बंगाल। यूपी बिहार बंगाल में, तो पटना में आपको बड़े नहीं होने दे रहे थे क्या वो लोग? नहीं मेरे, क्या बात है यार, क्या बात, कमाल है सर आपको आपको पता है दीदी, दीदी मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करती हूँ सर। मुझे बख्श देना। हाँ सर, मैं करती हूँ, ज्योतिषी हूँ। हाँ ज्योतिषी हूँ। अभी देखना, 4-5 सेकंड बाद मैं बोलूंगी मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, देखना। सर आपको मालूम है मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है? देख, मैंने अभी बोला था। खैर मेरा सर पार्लर था सलीम जी इधर, तो मैं अभी भी मसाज करती हूँ। अच्छा। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी मसाज है मेरे पास, हाफ फ्राई मसाज। हाफ फ्राई मसाज में क्या होता है? हाफ फ्राई मसाज में क्या रहता है, हम कस्टमर को 20 माले की बिल्डिंग के टेरेस पे बुलाते हैं मसाज करने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं देख 6 अंडे लेकर आना। अच्छा। फिर वो जैसे ही नीचे आता है ना, हम लिफ्ट बंद कर देते हैं। अब वो चल के आता है ऊपर आता है थक जाता है, हाफ फ्राई हो जाता है वो। जैसे कमरे में आता है ना, वो हाफ फ्राई होता है। मैं बोलती हूँ अरे तो हाफ फ्राई है ये तो हाफ रहा है, इसका मसाज करो। ऐसा हमारा अंडे का क्या है फिर? अंडा तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। सुचा है दीदी। अरे नहीं पीजिए दीदी। ओहो, मेरे पास एक और मसाज है सर, बीन मसाज। बीन मसाज में क्या? बीन होता है ना, जैसे बीन बजाते हैं, वो बीन मसाज है। उसमें क्या होता है? हाँ जी, इसमें कह रहे थे कस्टमर आता है, हम उसको लेटाते हैं। अच्छा। और इतना बड़ा सांप लाते हैं, ठीक है, सांप को हम लोग तेल लगाते हैं, कमरे में मैं उस सांप को छोड़ देती हूँ और बाहर जाके मैं बीन बजाती हूँ। अभी सांप की मर्जी, उसको जिधर मसाज करना है। नहीं मैं सलीम जी, ये बहुत अच्छी मसाज है, इसमें डिटॉक्स भी होता है। कितने कस्टमर लोग झाग छोड़ के जाते हैं मुंह से, मालूम है उधर? बहुत अच्छी मसाज है, कभी भी आइएगा। खैर मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एक बार ना, चलो ये तो सपना बन के आती है, लेकिन एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली। सर थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। क्या टाइमिंग है यार, क्या बात। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।